हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। अब अगर बात करते हैं जहां पे बिग बैश लीग मैच नंबर 3 जो कि खेला जाएगा बेसमेंट नेट और एटलेटिस टाइगर के बीच में। तो बेसमेंट नेट की लास्ट सीजन में फाइनल में पर्स कोचर से हार गई थी और ट्रॉफी उठाने से चूक गई थी। तो एटलेटिस टाइगर लास्ट ईयर बहुत खराब परफॉर्मेंस की गई थी। यह मैच एटलेट के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ओवल का पिच फास्ट है, पिच में अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर पिच रिपोर्ट वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो जहां पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 70% रहेंगे, टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड बात करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहां पे एडिलेड स्ट्राइकर 5 मैच जीत के आ रही है तो वहीं बेसमेंट हिट भी 5 मैच जीत के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बेसमेंट हिट टीम का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट ईयर टीम ग्रैंड फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स से हार गई थी और फैंस का दिल टूट गया था। तो हिट के बेस्ट बैटर जहां पे जिमी परिसन रहे, उन्होंने 23.85 की एवरेज से 334 रन बनाए। बॉलिंग के मोर्चे पर हिट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया जिसमें माइकल नेसर 26 विकेट लेकर लीडर बोर्ड पर दूसरे प्लेस पर है। वहीं मैट कुएमैन ने भी 16 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन टीम के फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे। वहीं पे उस्मान ख्वाजा टीम के लिए ओपनिंग करेंगे, साथ में कॉलिन मुनरो भी करेंगे। टीम का मिडिल ऑर्डर यंग है जिसमें जॉस ब्रॉन है, मैक्स ब्रियंट है। एक्सपीरियंस बैटर की बात करें तो मार्नस लम्बुचेस टीम के मेन प्लेयर होंगे। विकेट कीपिंग के लिए इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स है। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो मिचेल नसर एंड पॉल वाल्टर टीम को एज देते हैं। बॉलिंग में स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुमेन टीम के एक्स फैक्टर प्रूव हो सकते हैं। ली ब्रेक बॉलर मिचेल स्वेप्सन अपनी फ्रीकी से ओपोनेंट को फंसा सकते हैं। राइट आर्म मीडियम पेस से शेक्सपियर बार्ली ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात की जाए तो जहां पे मैट रेनशो है, स्पेंसर जॉनसन है, मार्नस लेम्बुचेस है। अगर बात करते हैं रेड स्टाइगर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो बीबीएल 2022 में रेड स्टाइगर का परफॉर्मेंस वीक था। वे 14 लीग मैचों में से केवल 5 जीतने में सक्सेस रहे और पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे थी। बैटिंग यूनिट में बात करें तो जहां पे क्रिस लीन, मैथ्यू शॉर्ट मेन प्लेयर होंगे। शॉर्ट ने पिछले सीजन में 144.47 के स्ट्राइक रेट से 458 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए थे। लीन ने 400 प्लस रन बनाए और अभी भी बीबीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है। वहीं डीआरसी शॉर्ट टीम के लिए ओपनिंग कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो ट्रेविस है टीम की सबसे बड़ी ताकत, तो वो टीम के कैप्टन भी है। एडम होस एंड थॉमस के लिए मिडिल ओवर में पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। एलेक्स कैरी टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। वहीं पर ऑलराउंडर जेम्स बैडली और जैमी ओवरटन है। बॉलिंग में थॉर्टन और एगर के एक मेन बॉलर होंगे। वेस अगर पिछले सीजन में 13 मैचों में से 18 विकेट लेकर लीडिंग टेकर थे। वहीं डेविड पैनी और हेनरी थॉर्टन ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। स्पिन में जहां पे कैमरन बॉयस लीड करेंगे। हवा की बात करते हैं, की प्लेयर की बात करते हैं। की प्लेयर में है वेस अगर है, क्रिस लीन है, मैथ्यू शॉर्ट है, हेनरी थॉर्टन है और राशिद खान है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया। हवा के बढ़ते हैं, चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर बेसमेंट नेट होगा। यहाँ पे बेसमेंट नेट काफी स्ट्रॉन्ग और काफी फॉर्म में चल रही है। यहाँ पे स्ट्राइकर को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।